Good afternoon all. Today we start our lecture. Today's topic is the cutting tool and cutting tool angle, single point cutting tool and its angle. So in this lecture we will discuss about the cutting tools and its angle, its geometry, right? So what is the cutting tool? Cutting tool is the element of the machine which is used to remove the material from the workpiece. The material of the cutting tool is very hard as compared to the workpiece material. So yesterday मैंने आपको बताया था, if we want to cut the metal, है ना, तो we need a tool. But that metal should be harder than the workpiece. Harder than the workpiece. दिमाग में बात डालें, cutting की कल हमने बात. सर आवाज नहीं आ रहा. हेलो, आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है सर. आ रही है सर. जिसको नहीं आ रही है फिर वो अपना हेडफोन ठीक करें. आवाज बिल्कुल मस्त आ रही है सर. आ रही है, हाँ ना, ठीक है. जो जिसको नहीं आ रही है वो प्लीज अपना चेक कर लें हेडफोन. सो कल हम डिस्कस कर रहे थे कटिंग मशीनिंग की, कटिंग की. तो मशीनिंग और कटिंग, कॉपी एंड पेंसिल लेके बैठे. कटिंग के लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट थी हमारे पास? कटिंग के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो टूल मस्ट बी हार्डर देन द वर्कपीस. ठीक है, टूल मस्ट बी हार्डर देन द वर्कपीस होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास? दूसरी कंडीशन थी कि हमारे पास दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है. कन्वेंशनल मशीनिंग के लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है. तो उसके लिए हमारे पास मशीन टूल होता है. विद द हेल्प ऑफ मशीन टूल, कोई भी मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम लोग कटिंग करते हैं. और थर्ड कंडीशन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस. दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी. कल आपको कटिंग मशीनिंग की बात कर रहे थे, कटिंग की बात कर रहे थे हम लोग. ये तीनों पॉइंट्स हमेशा आपको ध्यान रखने हैं कि कन्वेंशनल मशीनिंग में आपके पास थ्री कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है कि टूल मस्ट बी हार्डर देन द वर्कपीस. देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस एंड टूल शुड टच द वर्कपीस. उसको टच करेगा, उसके साथ में रिलेटिव मोशन करेगा तो ही वो वर्कपीस हमारा कटेगा. टूल हमारा हार्ड होना चाहिए. अब टूल कटिंग टूल्स सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सिर्फ एक एज होगी. देयर इज ओनली वन एज फॉर द कटिंग, है ना, एक एज होगी. उसी को हम बार बार रिशार्प करेंगे. जब ब्लंट हो जाएगा टूल तो उसी को रिशार्प करेंगे, उसी एज को रिशार्प करेंगे. और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस होंगी. मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस में फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था ड्रिलिंग बिट. ड्रिल बिट जो है उसमें कितने कटिंग पॉइंट्स हैं, कटिंग एजेस हैं? उसमें दो कटिंग एजेस हैं. तो जब भी हमारा ड्रिलिंग बिट जो है वो ब्लंट हो जाता है या ड्रिल नहीं कर रहा है तो हम उसको रिशार्प करेंगे. और रिशार्प हम उसकी दो एजेस को करेंगे. आपने देखा होगा कि जो ड्रिलिंग बिट है वो लेंथ में काफी लंबा होता है तो हम उसको फुल लेंथ तक यूज कर सकते हैं. जिनको नहीं पता होता वो थोड़ा सा उसको यूज करते हैं फर्स्ट टाइम और फिर उसको रिशार्प नहीं कर पाते हैं. तो उसको रिशार्प करके हम उसको बिल्कुल एंड तक यूज कर सकते हैं जहां तक उसके फ्लूइड्स कटे हुए होते हैं. ठीक है ना, तो ये हमारा एग्जांपल है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का जिसमें सिर्फ दो कटिंग एजेस होंगी. और एक दूसरा कटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो वो हमारा हो सकता है मिलिंग मशीन कटर का. तो मिलिंग मशीन कटर में जितना भी पेरिफेरी होगी उसके हिसाब से कटिंग एजेस डिजाइन की जाती है. वो नंबर ऑफ कटिंग एजेस हो सकती हैं उसमें. ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो हमारा अब है हम पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या है? द कटिंग टूल विच हैज ओनली वन कटिंग एज, जिसकी की एक ही कटिंग एज है. और इसको हम कहाँ पे काम में लेते हैं? लेथ मशीन में, शेपर मशीन में, प्लेनर में एंड बोरिंग मशीन में. ठीक है, तो ये वाला टूल हमारे क्या काम आता है? ड्रिल में काम, लेथ में काम आएगा, शेपर में काम आएगा, प्लेनर में काम आएगा और बोरिंग मशीन में काम आएगा. ये वाला नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये हमारी है मल्टी पॉइंट कटिंग की. मल्टी पॉइंट कटर है, लेथ इसका कटर है,
मिलिंग मशीन का कटर है। मिलिंग मशीन के कटर के लिए आपको, आप यहाँ देखें इसमें डिफरेंट अलग अलग कटिंग एजेस है, पेरिफेरी पे बना हुआ है। इसके भी जितने भी एंगल्स होते हैं वो सेम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह काफी सारे एंगल होंगे, लेकिन इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल अलग होती है। और इट इज यूज टू प्लेनिंग करने के लिए काम आता है, गियर कटिंग के लिए काम आता है, और बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन आप इससे कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आपके सिलेबस में क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को डिस्कस करेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए आप इसकी ये ज्योमेट्री देखें, ये वाली ये ज्योमेट्री देखें, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दिस इज अ ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल। इसको आप चाहे तो अभी बना लें, बना सकते हैं फटाफट, रफ आपके पास पेन पेपर है तो उसको बना लें इसको फटाफट। इसमें मेन आपको तीन चीजें देखनी है, इसमें तीन चीजें देखनी है प्लस छह एंगल्स देखने हैं। क्या देखने हैं आपको? छह एंगल्स देखने हैं और तीन फेसेस देखने हैं, ठीक है। तीन फेसेस देखने हैं और छह एंगल देखने हैं, उससे सारा कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो ये वाली इसकी शैंक है, जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर जा रहा है, यहाँ पे क्या है इसकी शैंक, इसको क्या बोलते हैं हम शैंक। ये बहुत लंबी हो सकती है, मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इस शेप में मिलेगा, ये स्क्वायर शेप में या कोबाइडल शेप में मिलेगा, ये वाली शेप में मिलेगा जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, वहाँ पे आप देखें इस वाली शेप में मिलेगा। अब ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अवर वर्कशॉप, ये वाला एरिया हमको हमारी वर्कशॉप में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्राइंडिंग मशीन होना चाहिए, और इसको हम काटेंगे। इसको हम जैसे इसके एंगल्स हैं वो मटेरियल के हिसाब से हमको इसके एंगल्स सेट करने पड़ेंगे, एंगल्स सारे जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। तो इसमें कितने एंगल सेट करने पड़ेंगे? छह एंगल सेट करने पड़ेंगे, और इसमें थ्री फेसेस होंगी, तीन फेस होंगे और छह एंगल होंगे। तो सबसे पहला फेस इसको हम शैंक बोलते हैं, पूरा जितना भी आ जाएगा उसको शैंक बोलते हैं। ये मैटी टूल किस चीज का बना हुआ होगा? हार्डर बना होगा। मेरे को डबल बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीज को, क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो ये मटेरियल क्या होगा इसका? हार्डर होगा वर्कपीस से। वर्कपीस कौन सा होगा? जिसका आप जॉब बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप जो भी वर्क करेंगे वर्कशॉप में, वो वर्क किस पे करते हैं हम लोग? एमएस पे करते हैं। एमएस क्या होता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है ये आपको पता होना चाहिए। मीडियम स्टील में कितना कार्बन होता है, परसेंटेज कार्बन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। हाई कार्बन स्टील में कितना परसेंट कार्बन होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको मटेरियल साइंस की बुक में पढ़ेगा। मटेरियल साइंस की बुक आप कंटिन्यूस पढ़ते रहें, एलॉयज के बारे में पढ़ते रहें, क्या क्या कंपोजिशन होता है, बेसिक सारे मटेरियल आपको ध्यान में रहेंगे, तो आपको आगे ध्यान में रहेगा कि कौन से टाइप का कटिंग टूल होना चाहिए। अब हम लोगों का एमएस काटना है, तो एमएस काटने के लिए हम हाई स्पीड स्टील एचएसएस टूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एचएसएस, हाई स्पीड स्टील। कार्बाइड टूल का भी यूज कर सकते हैं, और बाकी दूसरे हार्डर मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग वर्कशॉप में क्या करते हैं? जनरली वर्कशॉप में हम लोग HSS का टूल करते हैं, बट इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगी कार्बाइड टिप, कार्बाइड का यूज करेंगे। उनकी शैंक होती है, ये शैंक होगी, ये बहुत लंबी शैंक होगी, ये पूरी MS की होगी, और वहां पे सिर्फ वो ये जो मेरा पॉइंटर है इस एरिया पे वो सिर्फ एक टिप लगा देते हैं जो कार्बाइड की बनी होती है, क्योंकि कार्बाइड बहुत महंगा आता है, तो वो महंगा आता है तो इसलिए वो सिर्फ इसको यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, ऐसी शेप बना के वहां पे वेल्डिंग कर देते हैं, और वो कार्बाइड टूल से हम लोग उसकी कटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो कार्बाइड टूल दिखेगा, क्योंकि HSS काफी महंगा आता है और काफी प्रिसाइज वर्क के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसमें देखें आप, इसमें तीन फेसेस होंगी। फर्स्ट फेस ये फ्लैंक है, क्या है? फ्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंक। इसको ऊपर वाली एजेस फेस को क्या बोलेंगे? या तो फेस बोलेंगे या रैक सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैक सरफेस, RAC, रैक सरफेस, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसको हम एंड सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड फेस बोलेंगे या एंड सरफेस बोलेंगे। तो ये तीन साइड्स हैं इसमें, फ्लैंक साइड है, रैक साइड है और एंड साइड है। फ्लैंक साइड है, रैक साइड है और फ्लैंक साइड है। अब हर सरफेस पे
दो दो एंगल्स हैं, हर सरफेस पे दो दो एंगल्स हैं, दो एंगल यहाँ पर हैं, दो एंगल यहाँ पर हैं और दो एंगल यहाँ पर हैं। तो ये छह एंगल मिलकर इस टूल को पूरे को स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब है स्पेसिफिकेशन उसका देते हैं। जब भी आप सीएनसी मशीन पे काम करेंगे, जब भी आप सीएनसी मशीन पे काम करेंगे तो आपको टूल को इनपुट करना पड़ेगा, वहां पे टूल को इनपुट करना पड़ेगा। टूल को इनपुट करेंगे तो मतलब उसका स्पेसिफिकेशन वहां पे डालना पड़ेगा कि उसका एंगल्स कितने हैं, उसका कौन सा एंगल कितना डिग्री का है, वो आपको डालना पड़ेगा। प्लस इसमें एक चीज और होती है, ये वाली साइड देखें, ये वाली साइड देखें, यहाँ पे एक टिप होती है। क्या होती है? टिप होती है। ये टिप जैसे ही आप वर्कपीस के साथ लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट हल्की सी गोल हो जाती है, हल्की सी सर्कुलर हो जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नोज रेडियस। इसको बोलते हैं हम लोग नोज रेडियस, नोज रेडियस। तो इसमें कितने एंगल हो गए आपके? छह एंगल हो गए। तो फर्स्ट था आपका रैक सरफेस। रैक सरफेस में दो एंगल है, साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल। कौन सा एंगल है? साइड रैक एंगल है। और ये यहां से देखेंगे तो इसको यहां से आपको पता चलेगा बैक रैक एंगल। इसको बोलते हैं साइड रैक एंगल, इसको बोलते हैं हम बैक रैक एंगल। ऐसे ही फ्रंट से देखेंगे, जहां पे फ्लैंक साइड है वहां पे साइड रिलीफ एंगल आएगा और साइड कटिंग एज आएगा, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। और यहाँ पे एंड पे देखेंगे तो एंड कटिंग एज एंगल आएगा और एंड रिलीफ एंगल आएगा। ये वाला साइड में कौन सा आएगा? एंड रिलीफ एंगल आएगा, यहाँ पे साइड रिलीफ एंगल आएगा, यहाँ पे साइड कटिंग एंगल आएगा और यहाँ पे एंड कटिंग एंगल आएगा। अब इसमें आप देखेंगे दो सरफेस हैं, ये जो सरफेस है रैक सरफेस और ये है फ्लैंक सरफेस, इसके बीच में ये वाली लाइन आ रही है। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ये वाली लाइन को हम बोलते हैं साइड कटिंग एच। क्या बोलते हैं? साइड कटिंग एच। लिख लें आप इसको, इसको क्या बोलते हैं? साइड कटिंग एच, साइड कटिंग एच। प्लस इसको हम प्रिंसिपल कटिंग एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कटिंग एज भी बोलते हैं। और इसी इसी एज से कटिंग होती है, इसी एज से क्या होती है? कटिंग होती है। ये वाली साइड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली साइड से ही कटिंग होगी, ये वाली साइड से ही मेटल को ये टूल काटेगा। एक दूसरी एज है, ये वाली एज है, ये सेकेंड एज है, इसको हम बोलते हैं एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज। इसलिए इसका नाम रखा है एंड कटिंग एज एंगल। क्या? ये वाली कौन सी है? एंड कटिंग एज। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? जो एंगल दे रखा है यहाँ पे, इसको हमने बोलते हैं एंगल एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। और ये जो स्लांटेड नीचे जा रहा है, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल। यहाँ पे ये टेपर्ड है नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेपर्ड है, तो यहाँ पे इस एंगल को बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। क्या बोलते हैं? साइड रिलीफ एंगल। तो ये छह एंगल आपको हमेशा याद रखने हैं, ये तीन फेसेस आपको याद रखनी है, ठीक है? और प्लस एक लास्ट में इसका यहाँ पे नोज रेडियस याद में रखना है। तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। इसमें इसमें आप देखेंगे, इसमें टूल के एलिमेंट सब कौन कौन से हो गए? शैंक हो गया, फ्लैंक हो गए, नोज, फेस, हील, कटिंग एच। शैंक हो गई, फ्लैंक हो गई, नोज हो गई, फेसेस, फेस हो गया उसका, हील, हील कौन, हील कौन सा पोर्शन है? हील बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हील, हील बोलते हैं। ये वाली एच को क्या बोलेंगे? हील बोलेंगे। हील मतलब हील, हील का मतलब क्या होता है? हील का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पार्ट, है ना? तो दैट इज अ हील। तो ये वाले सारे इसके एलिमेंट हैं। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है टूल एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, तो ये सारे टूल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? इनको आप याद रखें। अब इसमें आगे इसका आता है डिस्क्रिप्शन, टूल एंगल्स का, टूल एंगल्स का डिस्क्रिप्शन आता है। बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। तो आपको इसको याद कैसे रखना है? दो तो रैक के एंगल हैं, दो रिलीफ के एंगल हैं। रिलीफ एंगल को हम क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तो एक एंड की तरफ होता है, एक साइड की तरफ होगा, एक एंड की तरफ होगा, एक साइड की तरफ होगा। दूसरे कटिंग एज एंगल, जो दो कटिंग एज है वो एक एंड कटिंग एज, एक साइड कटिंग एज, एक दो रिलीफ एंगल, एक एंड रिलीफ एंगल, एक साइड रिलीफ एंगल, और दो बैक, दो रैक एंगल्स। फर्स्ट इज द बैक रैक एंड अनदर इज द साइड रैक।
तो इसको एक बार आप वापिस देखें, इस वाले फिगर को आप एक बार वापिस देखें, इसको छह एंगल दे, इसमें छह एंगल दे, ये वाला साइड रैक, ये रैक सरफेस के साथ में है, तो ये साइड रैक, ये बैक रैक, ये यहाँ से ऐसे टेपर्ड जा रहा है, तो ये कौन सा है, बैक रैक एंगल, ये वाला। अब इन दोनों को, चलो हम इन दोनों को पहले समझते हैं, इन दोनों को पहले समझते हैं, साइड रैक और बैक रैक। इसको कैसे समझेंगे आप, यहाँ पे देखें, इसका फ्रंट व्यू देखें इसका, अगर आप यहाँ पे, आपको कैसे देखना है, अगर आप इस साइड से देखते हैं, अगर आप इसको इस साइड से देखते हैं, यहाँ से देखोगे तो ये क्या बनेगा, फ्रंट साइड। तो इसका फ्रंट व्यू देखेंगे आप, फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगी, यहाँ से देखने पे आपको ये वाली एज दिखेगी, ठीक है ना, ये वाली एज दिखेगी, ये वाली एज दिखेगी, प्लस आपको ये वाले एंगल दिखेंगे, एक ऊपर का एंगल दिखेगा और ये वाला साइड का जो ये साइड में स्लांटेड है वो दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे, इसको ऐसे देखें, इसको आप ऐसे देखें, ये दिखा, एक साइड रैक दिख रहा है, एक आपको बैक रैक दिख रहा है, एक आपको साइड रैक दिख रहा है, एक आपको बैक रैक दिख रहा है, एक आपको साइड रैक दिख रहा है, ये बैक रैक दिख रहा है, ये वाला एंगल कौन सा है, बैक रैक। इसको कहाँ से देखना है हमको, फ्रंट व्यू देखना है इसका, फ्रंट व्यू देखना है। एक ये वाला एंगल दिख रहा है, एक आपको ये वाला एंगल दिखेगा, क्लियरेंस एंगल दिखेगा, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम इसको बोलते हैं एंड क्लियरेंस एंगल, एंड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये वाला बैक रैक एंगल और ये वाला एंड क्लियरेंस एंगल। कहाँ से देखा हमने इस फिगर को, हमने इस फिगर को कहाँ से देखा, इस फिगर को हमने यहाँ से देखा था, कहाँ से देखा था हमने इस फिगर को, यहाँ से देखा था, इस साइड से देखा था, फ्रंट व्यू से देखा था। तो हमको क्या दिखा, एक तो ये वाला एंगल दिखा और एक इसका साइड का एंड, ये जो एंड है, ये वाली एंड है, जो ये वाला फिगर है, ये वाला यहाँ पे पॉइंटर, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है ये वाली साइड दिखेगी, क्योंकि ये टेपर जा रहा है, ये टेपर जा रहा है, एक तो ये दिखेगा और आपको ये जो टेपर जा रहा है, ये वाला बैक रैक एंगल यहाँ से दिखेगा। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको ये दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एंगल दिख रहा है जो जिसको हम बैक रैक एंगल बोल रहे हैं, और एक ये वाला दिख रहा है जिसको हम एंड रिलीफ एंगल बोल रहे हैं। क्लियर हो गया है सबको, कौन सा है बैक रैक और कौन सा है एंड रिलीफ। तो फर्स्ट व्यू में हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट व्यू में हमको दिखेगा एंड रैक और एंड क्लियरेंस एंगल, बैक रैक एंड क्लियरेंस एंगल। कौन सा वाला दिख रहेगा, बैक रैक एंगल दिखेगा और एंड क्लियरेंस एंगल दिखेगा। अब आप इसको ऊपर से देखेंगे, अब आप इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, टॉप व्यू में यहाँ से देख रहे हैं आप इसको, टॉप व्यू में आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू को, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एक ये वाला एंगल दिखेगा, साइड कटिंग एज एंगल दिखेगा आपको, एक एंड कटिंग एज एंगल दिखेगा, ये दोनों एंगल दिखेंगे, साइड कटिंग एज दिखेगा और आपको ये एंड कटिंग एज दिखेगा। इसको कैसे दिखा रहे हैं सर, इसको हम ड्रॉइंग में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम ड्रॉइंग में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, एंड कटिंग एज दिखेगा, एक साइड कटिंग एज दिखेगा, एक एंड कटिंग एज एंगल दिख रहा है आपको यहाँ से, ये एंड कटिंग एज एंगल दिख रहा है और आपको एक साइड कटिंग एज दिख रहा है, ठीक है ना। साथ में आपको नोज रेडियस दिखेगी, ये पूरी कटिंग एज, ये वाली प्रिंसिपल कटिंग एज है जहाँ से कट होगा, मेन आपका मटेरियल जो जॉब है वो कट होगा, दैट इज द साइड कटिंग एज और द प्रिंसिपल कटिंग एज। इसको बोलते हैं हम एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज प्लस और एक्सलोरी कटिंग एज, क्या बोलते हैं, एक्सलोरी कटिंग एज, ठीक है ना। तो ये दो, ये दिखेगा आपको टॉप व्यू में, जब आप इस फिगर को टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। अब साइड व्यू में आपको दिखेगा साइड रैक एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल, साइड रैक एंगल। अब साइड से कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है आपको, साइड से आपको कहाँ से देखना है, एंड की तरफ से देखना है, इस साइड से देखना है, इस साइड से देखना है, इस साइड से देखने पे आपको एक चीज तो ये दिख रही है, एक चीज तो आपको कौन सी दिखेगी, ये वाली दिखेगी प्लस ये वाली दिखेगी, ठीक है ना, ये दिखेगा आपको और ये दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा, साइड रैक एंगल दिखेगा प्लस आपको साइड रिलीफ एंगल दिखेगा। साइड रिलीफ एंगल को साइड क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, साइड क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, एंड रिलीफ को एंड क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, एंड रिलीफ को एंड क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई है सबको बात, यस सर। हाँ, ये ड्राइंग को आप दो तीन बार देखेंगे तो पता चलेगा, दो तीन बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या क्या
एंगल्स होते हैं, क्या क्या फेसेस होते हैं, इसी चीज को हम एक बार फिर समझेंगे प्लेन्स के थ्रू. किसके थ्रू? प्लेन्स के थ्रू. जैसे सपोज ये हमने इसको कहाँ से कट करके, ये अभी तो आपने इसको सीधे से देख लिया, टॉप व्यू देखा तो आपको ये चीज समझ में आई कि ये दोनों नीचे वाले एंगल दिख रहे हैं. यहाँ से देखा तो आपको ये वाले दोनों एंगल दिख रहे हैं. यहाँ से देखा तो आपको ये दो साइड वाले एंगल दिख रहे हैं. अभी इस चीज को हम एक प्लेन के रेफरेंस से देखेंगे कि प्लेन के रेफरेंस से इसको हम कैसे देख सकते हैं. तो अभी वापिस आप देखें, यहाँ से देखें इसका जो मैंने बताया था फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू को करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये वाला फिगर देखें. ये एक प्लेन था, है ना, ये जो आपको हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज अ वन प्लेन. एक प्लेन है, तीन प्लेन है. तीन प्लेन को हम, तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ये वाला प्लेन है, ये टाइम खत्म होने वाला है क्या? बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता. चलो इसको थोड़ा सा फटाफट करेंगे. ये वाला जो प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन इसके बीच में से पास हो रहा है ना, मतलब इसके बीच में से पास हो रहा है, मतलब क्या है कि ये बेस के परपेंडिकुलर है. बेस के परपेंडिकुलर है ना. इस कट, ये वाली जो साइड कटिंग है, इसकी हमारी इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल जा रहा है. तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन. ये वाला प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन. फर्स्ट प्लेन होगा इसका, फर्स्ट प्लेन होगा जो कि मशीन के पैरेलल होगा, जो कि मशीन के पैरेलल होगा, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे. जो इसके परपेंडिकुलर होगा. ये वाला फिगर देखें. ये वाला प्लेन देखें, ये कौन सा है? ये इसके परपेंडिकुलर है, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है. बट ये वाला क्या होगा, ये मशीन के पैरेलल होगा. जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी मशीन, आप इमेजिन करें, एक चीज इमेजिन करें आप, जैसे आपने मशीन आप लेथ मशीन पे वर्क कर रहे हैं, और लेथ मशीन पे वर्क के लिए आपको क्या करना है, आपके पास ये एक बार मैं फिगर बनाता हूँ छोटा सा. ये मान लीजिए आपका जॉब है, ये आपका जॉब है और ये यहाँ पे आप, ये दिस इज द एक्सिस और यहाँ पे आपका टेल स्टॉक है, जहाँ पर आपने वर्क पीस को आपने होल्ड किया हुआ है. यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने ये आपका वर्क पीस था, दिस इज द वर्क पीस. ये यहाँ पे आपने इसको होल्ड किया, बीच में एक हेड स्टॉक है और एक टेल स्टॉक है. ये आपका जहाँ पे मैं ये हैचिंग कर रहा हूँ, दिस इज द जॉब. अब आपको टूल लगाना है तो टूल कैसे लगाएंगे आप? टूल को आप ऐसे लगा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं. जो लेथ का एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, लेथ एक्सिस या मशीन एक्सिस. क्या है? दिस इज द पैरेलल टू द एक्सिस. इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. और जो ये वाला एक्सिस है, इसका ये वाला एक्सिस जो है टूल का एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस. तो ये क्या हो गया इसका, ये वाला जो है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल. क्योंकि ये जब आप इसको 90 डिग्री लगाएंगे मशीन के साथ, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा. किससे? मशीन रेफरेंस से पैरेलल होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इसके पैरेलल होगा लॉन्गिट्यूडनल. इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स. और जो इसके पैरेलल होगा मतलब ये मशीन के पैरेलल है, मतलब क्या है, मशीन के पैरेलल. तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स. तो अब इसमें क्या हुआ, इसको आप जब आप एंगल देखेंगे, इमेजिन कर सकते हैं आप इस चीज को. प्लस आपके पास ये वाला फिगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा एंगल कौन सा है, ठीक है ना. तो अगर हम इसको ये वाले प्लेन से काटते हैं, तो हमको ये देखिए, ये आधा पीस कट गया और ये इस टाइप से आपको दिखेगा, है ना, इस टाइप से दिखेगा. तो इसमें कौन सा एंगल दिख रहे हैं? बैक रैक एंगल और एंड रिलीफ एंगल. ये दो एंगल दिखेंगे अगर आप इसको ऐसे काटेंगे. ये वाला, दिस इज द थर्ड प्लेन. अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल टू द मशीन एक्सिस. इस प्लेन से काट रहे हैं तो आपको ये दो एंगल दिखेंगे, साइड रैक एंगल और एंड रिलीफ एंगल. दिस प्लेन इज द
पैरेलल टू द बेस, ये क्या है पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस, ये वाला एंगल क्या है पैरेलल टू टू द बेस, और तीनों तीनों प्लेन्स को हम एक साथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों प्लेन्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर आप अब इसको ऊपर से काट रहे हैं, इस प्लेन के थ्रू काट रहे हैं, मतलब आप इसको ऊपर से काट दिया, ऊपर से काट दिया तो आपको ये इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, तो आपको क्या क्या दो एंगल दिखेंगे, एंड कटिंग एज एंगल दिखेगा और साइड कटिंग एज दिखेगा, ठीक है, ये नोज रेडियस दिखेगा। तो इस टाइप से आप इसको इमेजिन करके आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से एंगल दिखेंगे। ये टूल जो अभी इसको डिस्क्राइब किया वही इसका व्यू है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमने इसके एंगल को डिफाइन किया। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये एंगल क्यों दिए जा रहे हैं, ये एंगल क्यों दिए जा रहे हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास बैक रैक एंगल, इसको डिफाइन करना है आपको, डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन अगर आपके पास ये चीज रहेगी तो आप इसको डिफाइन करेंगे, ये इसको डिफाइन करेंगे कि एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीन एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू द मशीन एक्सिस, जो कि ट्रांसवर्स प्लेन है, जो कि क्या है ट्रांसवर्स प्लेन है, इसके बीच का एंगल जो होगा वो बैक रैक एंगल होगा, है ना, ये बैक रैक एंगल होगा, ये वाला बैक रैक एंगल होगा, ठीक है ना। तो इसको आप इस चीज से डिफाइन करेंगे कि यह एंगल कौन सा है। तो पहले चीज, अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन आता है कि कौन कौन से एंगल आते हैं उसको डिस्क्राइब करें, तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि बैक एंगल इज एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल मेजर्ड इन द परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू द साइड कटिंग एज। तो परपेंडिकुलर प्लेन है उसके उससे उसके प्लस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो फेस है उसके बीच में जो एंगल है दैट इज द बैक रैक एंगल। तो ये रैक एंगल अब क्यों दिया जाता है, और इसमें अब तीन टाइप के एंगल्स होते हैं, देयर आर द थ्री टाइप, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ये वाला जो आपने फिगर दिखा, दिस इज द नेगेटिव रैक एंगल, ये इस साइड में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव रैक एंगल। अगर ये इसके पैरेलल हो जाता, अगर इस प्लेन पे या ये वाली जो लाइन देख रहे हैं इसके पैरेलल हो जाता तो ये न्यूट्रल हो जाता, जीरो रैक एंगल हो जाता। अगर ये इससे ऊपर जाएगा, अगर ये इससे ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव रैक एंगल, क्या बोलेंगे पॉजिटिव रैक एंगल। अब इसमें आपको क्या समझने की जरूरत है, ये आप एंगल देख रहे हैं, अब मान लीजिए ये वाला बैक एंगल ये 15 डिग्री है, सपोज कितना है 15 डिग्री है। अब आप इसको कम करेंगे, इस एंगल को आपने कम कर दिया तो क्या होगा कि कटिंग एज जो है, ये मेन कटिंग एज है ना, ये वाली कौन सी है मेन कटिंग एज है, ये वाली एज जो थी साइड कटिंग एज, ये कौन सी थी मेन कटिंग एज, इस प्रिंसिपल कटिंग एज और प्रिंसिपल कटिंग एज, तो इसी से हमारी कटिंग हो रही है। तो इस कटिंग के लिए, इसके लिए अगर आप इसको और कम कर देते हैं, इसको एंगल को और कम कर देते हैं, तो क्या होगा टूल जो है आपका बहुत ज्यादा अच्छा शार्प हो जाएगा और अच्छी कटिंग करेगा, पावर कम कंज्यूम करेगा, फ्रिक्शन कम होगा और पावर क्या होगा कम कंज्यूम करेगा, क्या करेगा पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन 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 इसमें क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये जो एंगल है ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये एंगल कम हो जाएगा तो जी वाला एंगल कम होते ही इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मटेरियल कम हो गया ना, यहाँ से मटेरियल कम हो गया तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ कम होने से गर्म जल्दी हो जाएगा, गर्म जल्दी होने से इसकी टूल लाइफ कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी टूल लाइफ कम हो जाएगी। तो हमको एक ऑप्टिमम एंगल पे इसको हमेशा रखना होता है कि हम इन एंगल को ऑप्टिमाइज करें और हमारा टूल जल्दी से, टूल लाइफ हमारी बढ़े और जल्दी से हमारा टूल जो है वो गर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से दूसरा एंगल क्या होता है, दिस इज अ बैक रैक एंगल, दूसरी साइड देंगे पॉजिटिव रैक एंगल। पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, पॉजिटिव रैक एंगल जब आप टूल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, टूल को क्या लेते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव रैक एंगल, है ना। और ये होता है हमारा नेगेटिव रैक एंगल, ये वाला जो कौन सा है, दिस इज द पॉजिटिव रैक एंगल, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव रैक एंगल, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव एंगल, दिस इज द नेगेटिव रैक एंगल, और ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव रैक एंगल। नेगेटिव रैक एंगल को ज्यादा कम कर देंगे तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो जो हमारा टूल है वो स्ट्रेंथिंग उसकी कम हो जाएगी। तो इसको आप देखेंगे नेगेटिव रैक एंगल इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, टूल इज मोर ब्लंट हो जाएगा, कटिंग टूल जो है कटिंग फोर्सेस जो है वो आपके ज्यादा लगेंगे। अगर आपका कम कर दिया आपने तो मटेरियल कम हो गया ना, वहां पे मटेरियल
सॉरी मटेरियल ज्यादा हो गया तो आपको वहां पे क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, पावर की रिक्वायरमेंट भी आपके पास ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा मिलेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर उसको मिलेगा और सरफेस फिनिश भी उसकी इंप्रूव होगी। तो ये कुछ बैक पॉजिटिव रैग एंगल और नेगेटिव रैग एंगल के एडवांटेज और वो है कि किसके बढ़ाने से या किसके कम करने से क्या चीज होगी, कौन से मटेरियल के लिए कौन सा एंगल यूज होगा, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ेंगे प्लस जीरो रैग एंगल। जीरो रैग एंगल में क्या होता है, जब वो कटिंग एज जो है वो बिल्कुल प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। तो टूल हैज जीरो रैग व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज एट द इनर साइड। इनर साइड से जब वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो रैग एंगल। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ईजी रहता है, ईजियर टू रिशार्प होता है, कम पावर कंज्यूम करता है, कटिंग फोर्सेज उसमें नेगेटिव रैक एंगल की से कम लगते हैं। और ये चिप का जब हम पढ़ेंगे तो हम उस समय बात करेंगे कि चिप क्या होता है और क्रिएटर क्या होता है रैक सरफेस से।